Assalamu alaikum, this is Muhammad Tahir and today we discuss about tangents and normals to the curves. सबसे पहले देखते हैं tangent की definition. तो उसमें suppose a curve C is defined by y is equal to f of x. y is equal to f of x कोई भी हमारे पास function है और उस function का जो curve है वो एक C curve बनता है, ठीक है. Then the equation of tangent to C at x1, y1 is given by y minus y1 is equal to dy over dx at x1, y1 into x minus x1. एक हमारे पास function है, उसका जो curve है, वो curve कोई भी C curve बनता है, ठीक है? और ये जो curve है, ये आपका parabola भी हो सकता है, ellipse भी हो सकता है, hyperbola भी हो सकता है, और एनीथिंग एल्स भी हो सकता है, ठीक है. फिर उसके बाद उसके ऊपर जो टेंजेंट जो है वो लाई करेगा, वो एक पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है. एक टेंजेंट का पॉइंट होगा और एक कर्व का पॉइंट होगा. तो जब ये एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो वहां पे हमारे पास क्या करेगा, टेंजेंट जो है वो लाई करेगा. इज गिवन बाय उसका जो एक फार्मूला है वो आपके पास है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स वन y1 into x minus x1, ठीक है. तो dy over dx ये आपका क्या होता है, एक्चुअली जो है वो डेरिवेटिव होता है. तो डेरिवेटिव जो है वो पहले भी सीख चुके हैं, द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी नोन एज डेरिवेटिव. तो अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर में जो है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री जो है फोर्थ चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका, तो ये इक्वेशन जो है वही आप लोग यूज कर रहे हैं. जस्ट वहां पे यहां पे क्या होता है, m होता है आपका, m जो है वो स्लोप होता है. तो डेरिवेटिव को भी जो है वो हम क्या कहते हैं, वो एक स्लोप ही का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है नॉर्मल की. सपोज अ कर्व c डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है. तो हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका जो कर्व है वो एक c कर्व बनता है. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू c, फिर हमारे पास एक जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है c पे वो आपके पास क्या होगा, at x1 y1 is given by y minus y1 is equal to negative 1 over dy over dx at x1 y1 into x minus x1. तो जो नॉर्मल है वो आपका एक्चुअली क्या होता है, टेंजेंट का ही नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर हम ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाता है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ की गई है. ये नोटेशन इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि आगे हमने जो है वो डिफाइन करवाना है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन इज इट कैन आल्सो बी रिटर्न एज एफ प्राइम ऑफ एक्स वन वाई वन. नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम जीरो जीरो टू द टेंजेंट वी हैव. तो हमारे पास यहाँ पे कहता है P एक जो है वो लेंथ है. किसकी लेंथ है, एक परपेंडिकुलर की. और वो है कहाँ से, ओरिजिन से हम जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. तो P इज इक्वल टू y1 माइनस x1 f प्राइम ऑफ x1 y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर ऑफ x1 इनटू सॉरी x1 और y1. मतलब कि आपने इसमें क्या करना होता है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर जब वो लाई कर रहा है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. वो लेंथ कहाँ से होगी, ओरिजिन से जो है वो आपकी लेंथ होगी. और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे. इसका जो है वो एग्जांपल या क्वेश्चन जो हम आगे करेंगे उसमें यूज़ नहीं है. इसमें अगर हम पी पी एस सी या एफ पी एस सी के एग्जाम वगैरह देखें तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो उसमें जो है ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आपकी जो है वो हेल्प कर सकता है जी. इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं. तो फर्स्ट वन जो है वो आपके पास, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट, प्रॉब्लम 1-4, ठीक है. तो कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ. तो 6 पॉइंट जो हमारी टू एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट फोर प्रॉब्लम्स हैं. तो उसमें से फर्स्ट वन देखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो जैसे कि हमने लास्ट में जो अपना कॉनिक सेक्शन जो है वो पढ़ा हुआ है उसमें हमने इस इक्वेशन से ऑलरेडी फेमिलियर है कि ये वाला जो हमारे पास एक पैराबोला होता है. तो लिहाजा आपने क्या करना है, ये आपको एक कर्व दी गई है फंक्शन की सूरत में, ठीक है.
आपने इस पे टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है कि इस पॉइंट के ऊपर ए नेगेटिव 2a, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन जो है वो फंक्शन की सूरत में गिवन है, y square is equal to 4ax, सबसे पहले हम उसका क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो y square का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2y dy over dx is equal to x का डेरिवेटिव जब 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 4a, ये 2y राइट पे जाके जब वो डिवाइड हो जाएगा 2 के हमने 4 के साथ कटिंग कर ली तो dy over dx is equal to किसके आ गया 2a over y के आ गया। तो इसी तरह जो हम अगर डेफिनेशन देखें किसकी, टेंजेंट की, तो टेंजेंट की डेफिनेशन हमारे पास जो वो यही है कि आपने क्या लेना है, फर्स्ट वन उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने वो पॉइंट जो है उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेरिवेटिव यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया, अब जो आपको पॉइंट गिवन है वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो dy over dx at a negative 2a is equal to 2a जो है नॉमिनेटर वाला बिल्कुल एज इट इज है आपके पास ये वाला, और नीचे आपके पास y है तो y के जो आपने हमने क्या पुट कर लिया नेगेटिव 2a, तो नेगेटिव 2a से 2a कट गया तो आपके पास कितना रह गया नेगेटिव 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x1, तो लिहाजा वैल्यू को पुट कर लेंगे, y आपका एज इट इज माइनस b एज इट इज, y1 की वैल्यू कितनी आपके पास, ये जो पॉइंट है आपका ये एक ऑर्डर पेयर की सूरत में है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका x एक्सिस से होता है, सेकंड एलिमेंट आपका y एक्सिस से होता है, तो लिहाजा y1 आपके पास कितना यहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो ये आपने अपने नेगेटिव 2a लगा दिया। फिर आपके पास dy ओवर dx एट x1 y1 उसका आंसर कितना आया नेगेटिव 1, ये आपने नेगेटिव 1 पुट कर लिया, इंटू x आपका एज इट इज माइनस b एज इट इज, x1 की वैल्यू कितनी आपके पास, ये पॉइंट आपको जो क्वेश्चन में गिवन था x1 किसके इक्वल आ गया a के, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया y plus 2a is equal to negative x plus a, तो राइट साइड के ऊपर जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई है उसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो आपके पास x plus y plus 2a minus a is equal to 0 बन गया। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे x plus y plus a is equal to 0 के आ जाएगा, required tangent to the given parabolic curve, तो ये आपके पास जो है वो tangent है, किसके ऊपर tangent है, जो question के अंदर आपको equation दी गई थी। Next देखते हैं जिसका normal, equation of normal is y minus y1 is equal to negative 1 over dy over dx at x1 comma y1 into x minus x1, तो ये y आपका as it is minus b as it is, y1 की value कितनी है negative 2a is equal to ये आपका negative as it is, numerator वाला 1b as it is, तो अगर हम देखें तो जो हमने अपना rate of change जो derivative find किया था at x1 y1 वो कितना आया था negative 1, तो वो उसकी value put कर ली into x minus a जो कि हमें point given था x y1 की जगह पे negative 2a put कर लिया जबकि x1 की जगह पे आपका a आ गया। simplify करेंगे y plus 2a is equal to x minus a, नेक्स्ट आपके पास जो राइट साइड के ऊपर आपके पास टर्म्स हैं उसको हमने लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर लिया, नेगेटिव x प्लस y प्लस 2a प्लस a इज इक्वल टू 0, नेगेटिव x प्लस y प्लस 3a इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड नॉर्मल टू द गिवन पैराबोलिक कर्व, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी कर्व के ऊपर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी पैराबोला की सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी इसके अगले प्रॉब्लम 3, उसमें कहता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वेदर इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स, तो ये भी पीपीएससी का और एफपीएससी में क्वेश्चन जो है वो आता है। तो टेंजेंट का पैरेलल होना एक्स एक्सिस के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और इसी तरह टेंजेंट का जब वो पैरेलल होना वाई एक्सिस के लिए उसके लिए क्या कंडीशन होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा, अगर टेंजेंट आपका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोगों का जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के,
तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स या कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है इनडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से वो किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। तो पैरेलल जब होगा एक्स एक्सिस के फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, तो अगर टेंजेंट जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के तब आपका जो डी वाई ओवर डी एक्स या जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। जी देखते हैं इसका क्वेश्चन 5। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको हम फाइंड करेंगे। नो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको क्वेश्चन में के अंदर जो इक्वेशन दी गई है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। तो एक्स क्यूब का आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस इसी तरह जो आपके पास y का क्यूब है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 3y का स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि dy ओवर dx आ जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये वाला जो आपके पास है 3x का स्क्वायर इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करके जो है वो नेगेटिव का हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये 3y स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, 3 से 3 कट गया, तो dy ओवर dx इज इक्वल किसके आ गया, नेगेटिव x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 के अंदर यहां पे क्या करना है, हमने यूज करना है dy ओवर dx की वैल्यू। तो यूजिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने जब यूज किया तो नेगेटिव x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी 0 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो जीरो के आ जाएगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव जीरो हो जाएगा, जीरो वैसे भी एक न्यूट्रल नंबर होता है तो उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के अंदर अब हम एक्स इज इक्वल टू जीरो को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हमने इसको पुट किया तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ये वाली जो टर्म है x is equal to 0, ये वाला जो है वो 0 हो जाएगा, तो y का क्यूब इज इक्वल किसके आ जाएगा, a के क्यूब के, तो y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, टेकिंग पावर 1 ओवर 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 1 ओवर 3 ली तो आपके पास y इज इक्वल किसके आ गया, a के आ गया। देयरफॉर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एट 0 a, तो आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के कौन से पॉइंट के ऊपर, 0 और a पे। नेक्स्ट, फॉर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो टेंजेंट जो है जब पैरेलल होगा वाई एक्सिस के तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी का, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके अंदर, 3 के अंदर। आप देखें ये वाली जो है आपके पास इक्वेशन है, तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो निकाली हुई है, ठीक है। तो ये देखें dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको हम जब वो यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो dy ओवर dx यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने इनको क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक्स के को वो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो है वो अनडिफाइंड ही रहेगा, लिहाजा हमने इसको रीअरेंज किया तो इन्फिनिटी इस तरफ जाके डिवाइड होगी, वाई स्क्वायर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या होता है, 0। तो वाई स्क्वायर ये आपका एज इट इज आ गया, तो ये जो एक्स स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी इसका आंसर क्या आ गया, 0। उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 एक न्यूट्रल नंबर ही होता है, प्लस माइनस में कंसीडर नहीं होगा, तो y इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने वही जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी गई थी उसमें हमने पुट कर लिया। ये वाली जो इक्वेशन है ये अब y आपका 0 हो जाए तो x का क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, a के क्यूब के, तो यहां से x का क्यूब इज इक्वल टू किसके आ गया, a का क्यूब, पावर हमने ले ली दोनों तरफ 1 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, a के आ गया। Therefore, the tangent is parallel to y-axis at point A or 0. तो आपका जो tangent है वो parallel है y-axis के ऊपर, कौन से point पे, A और 0 पे। Okay, जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना मत भूलिए।